फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लक में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा सेकंड ईयर के थर्ड सेम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड्स, हम इस फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल सिंथेटिक्स एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑर्बिटल पिक्चर रेजोनेंस इन बेंजीन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी कि ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो से पहले एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो की लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कुछ एनालिटिकल एविडेंस, सिंथेटिक्स एंड अदर एविडेंस और फ्रेंड्स ऑर्बिटल पिक्चर एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में कुछ कॉमन पॉइंट्स बेंजीन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन को। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सिक्स कार्बन एटम्स अटैच्ड विद सिक्स हाइड्रोजन एटम्स। तो फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है कि जो बेंजीन होती है हमारी, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो कि सिक्स कार्बन आइटम को कंटेन करता है और फ्रेंड्स हर एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन को कंटेन करता है। तो जैसे कि फ्रेंड आपको पता होगा कि जो एक कार्बन होता है उसकी वैलेंसी चार होती है, वो अपनी वैलेंसी चार हाइड्रोजन के साथ पूरी करता है। तो इस साइकिल के स्ट्रक्चर में कार्बन की ऑलरेडी तीन तीन वैलेंसी मेंटेन होती है, लेकिन एक अपनी वैलेंसी पूरी पूरा करने के लिए मतलब कार्बन एक हाइड्रोजन को अटैच करता है, जिससे कि फ्रेंड्स उसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, जो बेंजीन होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और फिर फ्रेंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो एरोमेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उसकी साइकिल के स्ट्रक्चर में उनका कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन होता रहता है, इस वजह से फ्रेंड्स वो एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। इट इज ऑल्सो कंटेन रेजोनेंस। फ्रेंड्स, ये रेजोनेंस को भी कंटेन करता है क्योंकि फ्रेंड्स में जो पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है वो लगातार होता रहता है, इसलिए उसमें रेजोनेंस भी कंटेन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेंजीन कंटेन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, जो बेंजीन होता है उसके कई कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है उनकी वजह से उसके कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और लास्ट में जाकर के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। जो स्टेबल स्ट्रक्चर और स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर के बीच में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, यानी कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला तो होता है बेंजीन का, वो होता है C6H6। अब देखते हैं इसके कुछ मॉलिकुलर मास के बारे में। जो जो कि बेंजीन का मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 78। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक रिंग की शेप में जिसमें कि चार कार्बन एटम कनेक्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन है। उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरह मतलब इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपने एविडेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एविडेंस का मतलब जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एविडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रूव करना, यानी कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है तो साइक्लिक क्यों है और साइक्लिक है तो कैसे साइक्लिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम अपना एनालिटिकल एविडेंस। तो फ्रेंड्स, एनालिटिकल एविडेंस का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को प्रूव करने के लिए किसी दूसरे कंपाउंड से उसकी कंपेरिजन करना। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं एनालिटिकल एविडेंस। तो आइए देखते हैं। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन बेंजीन रिंग एज कम्पेयर टू एन हेक्जीन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा बेंजीन होता है वो अनसेचुरेशन मतलब दिखाता है। तो फ्रेंड्स, वो बेंजीन है वो हमारा अनसेचुरेशन क्यों दिखाता है और दिखाता है तो वो कैसे दिखाता है, इसे प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमें बेंजीन की कंपैरिजन करनी पड़ेगी एन हेक्जीन के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए हम बेंजीन की कंपैरिजन करते हैं एन हेक्जीन के साथ। तो फ्रेंड्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, यानी कि उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो होगा C6H6। और फ्रेंड्स, हमारा एन एक्जिन का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H14। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखने वाले हैं एन एक्जिन और बेंजीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एन एक्जिन यानी कि एन हेक्जिन यानी कि उसके पीछे आता है एन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ टेंथ में, कि एन होता है वो तो होता है सिंगल बॉन्ड, इन होता है उसमें होता है डबल बॉन्ड और आयन होता है उसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एन है यानी कि एन हेक्जिन,
तो यहाँ पे एन वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बेंजीन होता है उसमें होते हैं डबल बॉन्ड, यानी फ्रेंड्स बेंजीन, यानी उसमें आता है ये वाला वर्ड बेंजीन, तो इस वजह से उसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूव करना है कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड क्यों होते हैं, यानी कि वो बेंजीन होता है वो अनसेचुरेशन हाइड्रोकार्बन क्यों होता है, और होता है तो कैसे होता है। तो आइए फ्रेंड्स इसे प्रूव करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रोपेन, यानी फ्रेंड्स आपको नाम को देख कर ही समझ में आ रहा होगा, प्रोपेन यानी कि एन, यानी कि इस कंपाउंड में टोटल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यानी कि प्रोपेन हमने ये पहले देखा था कि जो प्रोपेन होता है, यानी कि जो जिन उनकी लास्ट में एन आएगा उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, इन आएगा उनमें डबल बॉन्ड होगा, आयन आएगा उनमें होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें इन आया, यानी इसमें इस कंपाउंड में टोटली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर फ्रेंड्स हमसे बोल दिया जाए कि आपको 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन दे दिए जाते हैं और आपको एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, तो फ्रेंड्स हम कुछ फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कुछ कोशिश करते हैं फॉर्मेशन करने की, यानी कोई देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक कार्बन अपनी वैलेंसी 4 हाइड्रोजन के साथ पूरी करता है, तो यानी 4 हाइड्रोजन तो कंपलसरी है एक कार्बन के साथ, कार्बन के लिए, जिससे कि अपनी वैलेंसी वो पूरी कर सके। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, तो फ्रेंड्स एक कार्बन के साथ हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, तो फ्रेंड्स इसी तरह एक यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, एक यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखा जाए तो अभी भी एक कार्बन की मतलब वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 3 ही मतलब बॉन्ड फिले हैं उसके, यानी कि एक बॉन्ड फिर भी मतलब अभी खाली है उसका। तो फ्रेंड्स ऐसा अगर देखा जाए तो हमें 3 कार्बन दिए गए थे, तो 3 कार्बन हमारे पास हैं, 1, 2, 3, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन बताए गए थे कि 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं आपको, मतलब किस कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के लिए, तो हमारे 4 हाइड्रोजन भी लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम 4 से मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन यूज कर नहीं सकते और ना ही 4 से कम, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो देखिए फ्रेंड्स इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है 1, 2, 3, 4, और फ्रेंड्स इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है 1, 2, 3, 4, और फ्रेंड्स अगर इसकी भी देखें तो 1, 2, 3, 4, यानी कि हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी पूरी हो चुकी है और हमारे एक कंपाउंड बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये तभी पॉसिबल हो सकता है तब हम डबल बॉन्ड का यूज करें, यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड यूज किए हम कोई कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंपाउंड है वो होगा हमारा प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन। तो फ्रेंड्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो है C3H4। तो फ्रेंड्स उसी तरह हमने जो देखा था एन हेक्जेन, यानी कि एन हेक्जेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे, और हमें अगर उससे एन हेक्जेन में जो सी उसका फॉर्मूला था C6H14। फ्रेंड्स उसी तरह अगर हमसे बोल दिया जाए कि आपको 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिए जाते हैं और आपको एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, तो फ्रेंड्स उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यानी कि हमें 6 कार्बन दिए गए हैं, वो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 हमें हाइड्रोजन यूज करनी है, ना ही तो हमें 6 से ज़्यादा यूज करनी है और ना ही 6 से हम कम यूज करनी है, यानी कि हमें इन्हीं में मतलब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। तो आइए फ्रेंड्स फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके इनके ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी फ्रेंड्स हमारे 6 हाइड्रोजन हैं वो यूज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इनकी वैलेंसी देखें तो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी मतलब एक अभी 2 बॉन्ड्स खाली हैं इसके कार्बन के, और इसमें 1 बॉन्ड खाली अभी, और इसमें भी एक खाली अभी, उसी तरह इसमें भी एक खाली है, इसमें भी एक खाली है, उसमें इसके अभी 2 खाली हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इनमें एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड लगा दें, यानी कि एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा दें और फिर इसे छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दें और इसे छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दें, तो अब फ्रेंड्स देखते हैं वैलेंसी कार्बन की। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3, यानी 3 इसकी वैलेंसी अभी भी पूरी नहीं हुई है, और फ्रेंड्स इस कार्बन को देखें तो 1, 2, 3, 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। उसी तरह फ्रेंड्स इसकी 1, 2, 3, 4 इसकी भी पूरी हो चुकी है, 1, 2, 3, 4 इसकी पूरी पूरी हो चुकी है, और उसी तरह इसकी पूरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक देखने की बात है, जो हमारे लास्ट वाले कार्बन हैं उनकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, मतलब यानी कि हमने डबल बॉन्ड यूज कर लिया है फिर भी हमारा एक कंपाउंड नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसे हम ऐसा करें कि इस कार्बन के साथ में कनेक्ट कर दें, तो फ्रेंड्स हमारा कंपाउंड बन सकता है, यानी कि हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सकती है। देखो फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, उन सबकी पूरी ऑलरेडी थी पहले से, और फ्रेंड्स इसकी भी पूरी हो जाएगी, यानी कि फ्रेंड्स ये पॉसिबल तभी हो सकता है, यानी कि
कोई कंपाउंड तभी बन सकता है अगर ये साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट हो। यानी फ्रेंड्स हमने डबल बॉन्ड भी लगा दी इसमें, यानी कि ये वाला वर्ड यूज कर लिया इन, और फ्रेंड्स अगर इसको हम जोड़ दें तभी हमारा कंपाउंड पॉसिबल है इसमें बनना। फ्रेंड्स इसमें हम क्या प्रूव करने वाले थे, हम प्रूव करने वाले थे कि जो बेंजीन कंपाउंड होता है वो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, और फ्रेंड्स बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स इसमें वो प्रूफ हो चुका है, यानी कि वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे कि इसमें देखा गया था कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी थी और वो एक कंपाउंड की मतलब फॉर्मेशन हो चुकी है, और फ्रेंड्स बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं, इससे मतलब प्रूफ हो चुका है कि वो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी फ्रेंड्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन सिंगल बॉन्ड्स एंड शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनमें होती है। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स कंटेन द डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड शो द एडिशन रिएक्शन। यानी फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और वो एडिशन रिएक्शन शो कराएंगे। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सिंथेटिक्स के बारे में। तो देखते हैं बेंजीन हैज अनसेचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड सो इट कुड बी कंस्ट्रक्ट एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बट इट डिड नॉट बिहेव लाइक अ एल्केन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स एज इट डिड नॉट डीलोकलाइज इन एल्केन एंड एल्कीन एल्काइन एंड नाउ वी कैन सी दैट डीलोकलाइज इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशन में बताया गया है कि बेंजीन में हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स इसमें देखा गया कि हमारे एल्कीन और एल्काइन, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें जो एल्कीन एल्काइन थे, एल्कीन और एल्काइन इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स इसमें देखा गया कि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और हमारे एल्केन और एल्कीन में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उनमें मतलब वो बेंजीन की तरह मतलब प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कराते, यानी कि बेंजीन की प्रॉपर्टी और एल्केन और एल्काइन की प्रॉपर्टी सेम क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें देखा गया कि जो बेंजीन है वो एक साइकिल के स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमारा एल्कीन और एल्काइन होता है वो एक स्ट्रेट चेन चेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेट चेन होती है, वो साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से फ्रेंड्स हमारे बेंजीन था उसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा था, और फ्रेंड्स हमारे जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं उनकी स्ट्रेट चेन होती है इसलिए उनमें मतलब डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कारण रहा था कि मतलब बेंजीन और एल्किन एल्किन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और फ्रेंड्स चलो ये तो प्रूफ हो गया, चलो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखा गया कि बेंजीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है मानते हैं अनसेचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट उसमें तो अनसेचुरेटेड वो होगा। तो लेकिन फ्रेंड्स हमने पहले देखा था कि अनसेचुरेट वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे उनमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो एडिशन रिएक्शन दे रहे थे। तो फ्रेंड्स हमारा बेंजीन है तो बेंजीन को तो हमारे मतलब एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, यानी वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसे मतलब एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए इसे देखते हैं वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है बेंजीन हमारा। तो फ्रेंड्स एल्केन और एल्काइन जब मतलब रिएक्शन करते हैं Br2 और CCl4 से और डाइल्यूट एसिटिक अमोनियम वो पोटेशियम परमैंगनेट थे तो मतलब कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं, और सब फ्रेंड्स हमारा मतलब जो बेंजीन रिएक्ट करता है Br2 और CCl4 से और डाइल्यूट एसिड KMnO4 से तो मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसका मेन कारण क्या था, तो फ्रेंड्स इसका मेन कारण ये था कि हमारा बेंजीन होता है वो एल्केन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता है, और इसीलिए फ्रेंड्स उसमें मतलब बेंजीन अनसेचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या प्रूव करना था कि बेंजीन अनसेचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो क्यों नहीं देता है, क्योंकि फ्रेंड्स बेंजीन एल्काइन और एल्किन की तरह बिहेव नहीं करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जिसमें प्रूव हो चुका है कि बेंजीन अनसेचुरेटेड होते हुए भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जैसे कि मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं अदर एविडेंस। तो फ्रेंड्स एक हमारे साइंटिस्ट आए थे अगस्त कैकुले साइंटिस्ट, जिन्होंने फ्रेंड डायरेक्टली आके बता दिया था कि जो बेंजीन होता है हमारा वो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें डीलोकलाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स
इन्होंने भी मतलब डायरेक्टली प्रूव कर दिया था कि बेंजीन होगा वो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, उनमें रेजोनेंस रेजोनेंस भी कंटेन करेगा वो, और वो कैसे करेगा वो हम सब डिसाइड कर चुके हैं, यानी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी अगस्त कैकुले ने बताया था कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है, उसी तरह मतलब बॉन्ड्स बॉन्ड्स ट्रांसफर होते रहते हैं इधर से उधर, और उतने ही मतलब स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो स्टार्टिंग की पोजीशन में आता है तो वो उसका एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, यानी कि स्टार्टिंग के कंपाउंड से लेकर के स्टेबल कंपाउंड तक के बीच की जो सारे स्ट्रक्चर होंगे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, या फिर हम उन्हें बोले तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो अब फ्रेंड देखते हैं हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो फ्रेंड्स बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें कार्बन के जितनी वैलेंसी होंगी वो सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करती हैं, जैसे कि इसमें शो कराया गया है। ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ द मॉडर्न मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल थ्योरी एंड कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स इसका सेकंड पॉइंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद ईच अदर एंड विद s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग सी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड टू हाइड्रोजन। और फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वो है बॉन्ड एंगल ऑफ बेंजीन, यानी कि जो बेंजीन के स्ट्रक्चर होगा उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी यानी कार्बन टू कार्बन की वो होगी 1.40 एमस्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने लगभग फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, सिर्फ अकल रूल को छोड़ के। तो फ्रेंड्स अकल रूल को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि फ्रेंड्स हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।